नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे भगवान कुबेर जी कैसे धन के देवता बने, क्या है उनके पीछे ऐसी कथा जो उनको धन का देवता माना जाता है। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि कुबेर महाराज रावण के सौतेले भाई हुआ करते थे, लेकिन घर की पूरी जिम्मेदारी कुबेर महाराज जी पे थी, जिस बात को लेकर रावण हमेशा उनसे जलता था। लेकिन ताकतवर होने के कारण कुबेर महाराज से उसने पूरी संपत्ति और सारी जिम्मेदारी हड़प ली और उनको घर से बाहर निकाल दिया। कुबेर महाराज ने भगवान शिव की तपस्या की, तपस्या से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए। जब उन्होंने सारी समस्या भोलेनाथ को बताई तो भोलेनाथ जी भी बड़ी विपता में आ गए कि आखिर मैं कुबेर जी के साथ करूं तो करूं क्या, क्योंकि इन्होंने तपस्या कर उनको प्रसन्न किया है और महापंडित रावण भी उनका बहुत बड़ा भक्त है। इसलिए उन्होंने कुबेर महाराज को सलाह दी कि भाई मैं अब फिलहाल आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप अगर माँ दुर्गा के पास जाएं तो वही आपके समस्या का निवारण कर सकते। तो कुबेर महाराज ने तपस्या कर माँ दुर्गा को प्रसन्न किया। तब दुर्गा माँ ने प्रसन्न होकर कुबेर महाराज को देवी देवताओं के धन का कोषाध्यक्ष बना दिया। तभी से हम कुबेर जी महाराज को धन का देवता कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी मैं ऐसी ही जानकारी लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।